नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में बताऊंगा। ऐसा अबॉर्शन जिसमें हमें अबॉर्शन के लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन ये लक्षण आगे प्रोग्रेसिव नहीं होते और समय रहते ऐसे अबॉर्शन का इलाज हो जाए तो प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। ऐसे अबॉर्शन को हम थ्रेटेंड अबॉर्शन या थ्रेटेंड मिसकैरेज कहते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन के प्रेग्नेंट महिला में अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि इसमें प्रेग्नेंट महिला के वेजाइना से ब्राउनिश और ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होते हुए दिखाई देगी जो कि स्वतः ही रुक जाएगी। प्रेग्नेंट महिला को ब्लीडिंग के समय किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होगा लेकिन पीठ में व पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का सा दर्द महसूस होगा। इस अबॉर्शन का पता लगाने के लिए हम प्रेग्नेंट महिला का ब्लड टेस्ट, जिसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन टेस्ट, हीमेटोक्रिट टेस्ट, ABO एंड RH फैक्टर टेस्ट कराते हैं। हम महिला का ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं जिसमें कई तरीके के रिजल्ट सामने आते हैं, जैसे कि हमें गेस्टेशनल शेक और योक शेक और इकोसाइन अपनी वेल फॉर्म्ड अवस्था में दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है आपका फीटस अभी स्वस्थ है। अल्ट्रासोनोग्राफी कराने पर हमें फीटस का कार्डियक मोशन यानी हृदय गति दिखाई दे तो 98% चांस होते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकती हैं। लेकिन जब हमें अल्ट्रासोनोग्राफी करने पर ब्लाइट ओम दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी लॉस हो गई है, यानी आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। महिला को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट करने दे जब तक कि उसकी ब्लीडिंग स्टॉप न हो जाए। जब महिला में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही हो और महिला अपनी प्रेगनेंसी लॉस होने की स्थिति में आ जाए तो उस समय हम महिला में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। जब कोई RH नेगेटिव नॉन इम्यूनाइज्ड वुमेन हो तो उसे हमें एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देनी चाहिए। एंटी डी गामा ग्लोबुलिन प्रेग्नेंट महिला में RH इम्यूनाइजेशन को रोकता है। RH इम्यूनाइजेशन के बारे में मैं आपको और अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि क्या होता है ये। 5 mg की डाइजेपाम मेडिसिन दिन में 3 बार देने पर महिला के पेन में आराम मिलेगा। हमें महिला को ऐसे ड्रग्स देने चाहिए जिससे महिला के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, जिससे प्रेगनेंसी लॉस होने का खतरा कम हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।